Welcome to my new video, and this video is for the BA Arts and Social students, as the paper will be combined. So first of all, thing that is coming to my mind, and that you have all asked about the reasoning portion of the examination. So आप लोगों के इतने doubts थे reasoning को लेके कि reasoning कैसे पढ़े, reasoning का syllabus क्या होता है, बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगी कि रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिस. जैसे कि आप मैथ्स के लिए डेली प्रैक्टिस करते हो, वैसे ही आपको रीजनिंग को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा. लोगों ने पूछा है कि कौन से पोर्शन पे हम ध्यान दें जिस पे हमारा रीजनिंग तैयार हो जाए. सो मैंने पॉइंट नोट आउट किए हुए हैं आप लोगों को बताने के लिए कि आप किस टॉपिक पे, किस पोर्शन पे ध्यान दोगे. आपका रीजनिंग प्रैक्टिस हो जाएगा, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, जैसे आप मैथ के लिए टेंथ का, एट्थ तक का और टेंथ तक का बेसिक प्रिपेयर कर रहे हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, वही मैं कह रही हूँ रीजनिंग को भी आपको प्रैक्टिस करना होगा. टॉपिक्स जो होते हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ, फॉर BA आर्ट्स एंड द सोशल, ब्लड रिलेशनशिप पर, ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो, मिसिंग नंबर्स, कैलेंडर वाले क्वेश्चन, लाइक आप डेली कैलेंडर. ये रीजनिंग हमें क्यों पढ़नी होती है, रीजनिंग हमें आपका IQ लेवल टेस्ट होता है. डेली बेसिस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी होगी तो आप कैसे फेस करोगे. दिस इज़ वाई द रीजनिंग पोर्शन हर एग्जामिनेशन कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है. सो ब्लड रिलेशन हो गया, मिसिंग नंबर्स हो गया, कैलेंडर हो गया, देन सीरीज़ आते हैं, सीरीज़ दी रहेंगी, वो पूछेगा. डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वाले डायरेक्शन के, आप इतने आगे चल के फिर इतने डायरेक्शन से इतना टर्न लेते हो, लेफ्ट लेते हो, राइट लेते हो, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं उस पर ध्यान देना होगा. फिर आपका आता है काउंटिंग द फिगर. एक फिगर होंगे, उसमें दो तीन फिगर बने होते हैं, अब उसको काउंट करना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग को तो वो भी आपको समझ आने लगेगा. ब्लड रिलेशन से और काउंटिंग नंबर से दो तीन क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है. फिर रैंकिंग से क्वेश्चन होंगे, फिर आपका आता है वेन डायग्राम, फिर कोडिंग एंड डीकोडिंग, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को लगता है टफ होता है, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको वेन डायग्राम समझ आने लगेगा, साइलोगिज्म भी समझ आने लगेगा. देन आपका एनालॉगी टेस्ट आता है, वो भी आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आएगा. फिर क्यूब रूट्स वगैरह पूछे जाते हैं. तो अगर आप मैथ्स की तरीके से अगर आप रीजनिंग को भी लेके चलोगे, लाइक एक दिन में आप थोड़ा मैथ्स प्रैक्टिस करते हो, फिर आप उसमें रीजनिंग प्रैक्टिस करते हो, तो आपका सिलेबस कवर अप हो जाएगा. 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स से, 15 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग से. ये इस साल का पैटर्न जो है चेंज हुआ है. पिछले साल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आए थे, इस साल 15 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग से, 15 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स से. सो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी. और आप अगर RS अग्रवाल की रीजनिंग की बुक लेके पढ़ते हो, अब ऑनलाइन बुक्स मिलने लगी हैं, तो अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो आपको बुक अवेलेबल दिखेंगी, आप ऑर्डर भी कर सकते हो. तो एज़ एग्जामिनेशन डेट विल एक्सटेंड बिकॉज UP गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी हुई है कि 30 जून तक आप कोई भी सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते हो, तो इसका यही मतलब होता है कि एग्जामिनेशन जो होंगे BHU के वो अभी नहीं होंगे. न्यू डेट्स विल रिलीज सून. सो ऐसा मत दिमाग में लाइए कि एग्ज़ाम विल बी कैंसिल. मैं हर वीडियो में अपनी बोल रही हूँ कि एग्ज़ाम होंगे, लेकिन बहुत टफ होने वाले एग्ज़ाम. सोशल डिस्टेंसिंग अभी आप दिमाग में रखो कि सोशल डिस्टेंसिंग के वजह से अभी हमारे एग्ज़ाम नहीं पॉसिबल हो सकते हैं, और सिचुएशन है. सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर, कंपटीशन विल बी सो हाई एंड टफ, और स्कोर आपको हमेशा अच्छा ही लाना है. रीजनिंग पोर्शन और मैथ्स पोर्शन अगर आप करते हो तो आपका 90 मार्क्स का जो एंट्रेंस का पोर्शन है वो आपका रेडी हो जाएगा. 90 मार्क्स इज, सी हाउ मच क्वेश्चन यू आर अटेम्प्टिंग. लाइक 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसमें से आपका 28 करेक्ट होता है, तो आपका स्कोर कितना अच्छा बनता है. सो प्रैक्टिस मोर, शेयर दिस वीडियो मच, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू.